हेलो फ्रेंड्स, मुमताज किचन पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ड्राई सोया चंक्स मंचूरियन, तो बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सोयाबीन को गर्म पानी में 5 मिनट के लिए भिगो दिया था और 1 से 2 बार धोकर अच्छे तरह से इसका पानी निचोड़ लिया है। अब इसमें डालेंगे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, इसके जगह पर आप मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसे सुबह के नाश्ते में या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे रेस्ट पर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम फटाफट फ्राई करेंगे, तो 1 कढ़ाई में 2 चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल डालकर तेल को गर्म होने देंगे और उसमें मिक्स किया हुआ सोयाबीन डालकर इसे हम उलट पलट कर इस तरह से सेलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ज़्यादा तेल में डालकर फ्राई भी कर सकते हैं, उसे ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, इसलिए इस तरह से हम हल्के तेल में ही इसे फ्राई कर लेंगे। सोयाबीन को 1 से 2 मिनट तक इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेने के बाद इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उसके बाद सेम कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल को गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से प्याज के स्लाइस डाल देंगे। प्याज को मैंने 4 भागों में काट कर अलग अलग साइज में इस तरह से कर लिया है। इसे हम डालकर बस तेल में थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेंगे, कुछ सेकंड के लिए, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन, तो इसे भी डालकर बस तेल में मिक्स कर लेंगे। आप इसमें शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे जिससे प्याज हमारे जले ना, और लो फ्लेम पर डालेंगे टोमेटो केचप, सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा सा विनेगर, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमें ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा मिला देंगे और उसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नॉर्मल पानी में कॉर्नफ्लावर को इस तरह से मिक्स कर लिया है, और साथ ही इसमें इसे भी डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर इस तरह से हम चला चला कर पका लेंगे। कॉर्नफ्लावर जब गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें शाइनिंग आ जाएगा, तो उसके बाद क्या करना है कि इसमें फ्राई किए हुए अपने सोयाबीन डाल देंगे और बस मिला लेंगे और गर्मा गर्म इसे हम सर्व करेंगे। इस नाश्ते को आप शाम के चाय के साथ या फिर हल्के फुल्के भूख में भी बनाकर खा सकते हैं। तो हमारी बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली ड्राई सोया चंक्स मंचूरियन बनकर तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।